बीए तृतीय वर्ष हिंदी ऐच्छिक प्रश्न पत्र क्रमांक 14 अर्थात आधुनिक हिंदी साहित्य का इतिहास का जो पाठ्यक्रम पीछे रह गया था उसकी ओर आज हम ध्यान देने वाले हैं। अब तक हमने आधुनिक काल के दो कालखंडों की बात की थी, क्रमशः भारतेंदु युग और दूसरा द्विवेद युग। इसके उपरांत तीसरा जो युग आता है उसका नाम है छायावादी युग, और छायावादी युग बहुत ही महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि हिंदी साहित्य के इतिहास का स्वर्ण युग भक्ति काल है, तो उसका हीरक युग या प्लैटिनम युग छायावाद। छायावाद क्या है ये पहले हम समझने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले हमें छायावाद के समय की सामाजिक सांस्कृतिक परिस्थितियों दृष्टियों को समझना पड़ेगा। आधुनिक काल के तृतीय चरण में जो कालखंड निर्धारित किया जाता है वह है सन 1918 से सन 1938 तक का कालखंड। सन 1918 से सन 1938 तक का जो कालखंड है उसको छायावादी कालखंड या छायावादी कविता का युग माना जाता है। और अगर व्यक्ति की बात कहें, जैसे कि आधुनिक काल के पहले कालखंड को पुनर्जागरण काल कहा गया, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा देते समय हम भारतेंदु युग कहते हैं, और दूसरा जो युग है, दूसरा जो कालखंड है जिसे हमने जागरण सुधार काल कहा था, जिसे व्यक्तिवाचक संज्ञा के रूप में आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी युग कहा, उसी प्रकार अगला जो कालखंड है जो ईस्वी सन 1918 से लेकर 1938 तक का जो कालखंड है उसको छायावादी युग कहा जाता है, और व्यक्तिवाचक संज्ञा में जयशंकर प्रसाद युग कहा जाता है। कुछ लोग छायावाद की सीमा 1920 से 1936 तक मानते हैं, और कुछ लोग 1918 से 1938 तक का। यद्यपि इस काल में केवल छायावादी रचनाएं नहीं हुई अपितु राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा, जिसका उल्लेख हमने द्विवेद युग में मैथिली शरण गुप्त, सियाराम शरण गुप्त, बालकृष्ण शर्मा नवीन, माखनलाल चतुर्वेदी और रामधारी से दिनकर सुभद्रा कुमार चौहान के रूप में किया था, वो धारा भी समांतर रूप से चल रही थी। राम नरेश त्रिपाठी वगैरह वगैरह। इतना ही नहीं, इस काल में एक अन्य प्रवृत्ति चल रही थी जिसको हालावाद कह सकते हैं या प्रेम और मस्ती का काव्य कह सकते हैं। इसमें हरिवंश राय बच्चन, नरेंद्र शर्मा, रामेश्वर शुक्ल अंचल जैसे गीतकारों ने हालावादी रचनाएं लिखी। मतलब देखिए, एक ही कालखंड में तीन प्रकार की काव्यधाराएं चल रही थी, छायावादी काव्यधारा, राष्ट्रवादी काव्यधारा और तीसरी हालावादी काव्यधारा। परंतु इस कालखंड का मुख्य स्वर छायावादी है, और इसके चार महत्वपूर्ण कवि आते हैं, जयशंकर प्रसाद, सुमित्रानंद पंत, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और महादेव वर्मा। ये इसके बृहत्त्रयी में आने वाले तीन लोग हैं, पहले प्रसाद जी, पंत जी और निराला जी, और लघुत्रयी में आने वाले तीन लोग हैं महादेवी, राम कुमार वर्मा और आरसी प्रसाद सिंह। मतलब ये छह कवि, इन्होंने छायावादी रचनाएं लिखी, और इनके साथ ही छायावाद को साहित्य की समीक्षा में अधिक
नाम ख्याति प्राप्त करवाने में एक आलोचक नंद दुलारे वाजपेयी इनका नाम लेना भी जरूरी हो जाता है। प्रसाद पंत निराला और महादेवी रामकुमार वर्मा और आरसी प्रसाद सिंह इनकी रचनाएं छायावादी प्रवृत्तियों से विशेषताओं से युक्त हैं और परिमाण की दृष्टि से भी छायावादी रचनाएं ही ज्यादा लिखी गई हैं राष्ट्रवादी या हालावादी की तुलना में ज्यादा। इसलिए इसका नामकरण छायावाद या छायावादी युग नाम से किया जा सकता है, हालावादी या राष्ट्रवादी नहीं। छायावादी रचनाओं में उच्च कोटि की अनुभूति, अभिव्यक्ति, कवित्व और तीव्रता प्राप्त होती है तथा उसने परंपरागत तत्वों का समावेश करते हुए परवर्ती काव्य को विकसित करने का, प्रभावित करने का भी काम छायावादी कविताओं ने किया है। इस दृष्टि से छायावादी रचनाएं ही इस काल की प्रमुख रचनाएं मानी जाती हैं और कामायनी यह महाकाव्य, जैसे हमने द्विविधि युग के दो महाकाव्य प्रिय प्रवास और साकेत इन दोनों को लेकर चर्चा की थी, उसी प्रकार अगर छायावादी युग के महाकाव्य की बात करें तो जयशंकर प्रसाद लिखित कामायनी को इस काल का सबसे महत्वपूर्ण ग्रंथ माना जाता है, सबसे महत्वपूर्ण काव्य माना जाता है, जिसमें छायावादी प्रवृत्तियों का पूर्ण विकास दिखाई देता है। छायावाद को समझने से पहले हमें उस युग के जीवन के तत्वों और मूल्यों को समझना पड़ता है जो हमने तत्कालीन परिस्थितियों को लेकर के चर्चा की थी। जैसे कि हम आदिकाल से लेकर के द्विविधि युग तक हमने प्रत्येक काल की प्रवृत्तियों, प्रत्येक काल की परिस्थितियों को लेकर चर्चा की थी, उसी प्रकार इस काल की रचना को पर भी प्रभावित करने वाली कुछ महत्वपूर्ण विशेषताएं हैं, उनकी भी चर्चा हम करेंगे। इसके अंतर्गत ध्यान दें 1918 से 1938 तक का कालखंड अगर देखा जाए तो राजनीतिक दृष्टि से महात्मा गांधी जी के असहयोग आंदोलन, अहिंसात्मक आंदोलन का उच्च यानी चरम बिंदु है। इसलिए इस काल की कविता में सबसे ज्यादा महत्व स्वाधीनता की आकांक्षा, राष्ट्रप्रेम, अहिंसा, सत्य, गांधीवाद जैसे मूल्यों को जाता है। बिना इन मूल्यों के छायावादी रचनाओं को महत्व नहीं दिया जा सकता। देश में अंग्रेजी प्रशासन के प्रति, अंग्रेजी शासन और प्रशासन के प्रति आक्रोश का स्वर, असंतोष का स्वर सुनाई पड़ रहा था और अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति से भारत को स्वतंत्र मुक्त कराने की चेष्टा की जा रही थी, प्रयास किए जा रहे थे और ये प्रयास कैसे थे, जी तोड़ प्रयास थे। गांधी जी के मार्ग से ये तो चल रहा था और इसी काल में भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, सुभाष चंद्र बोस, वारिंद्र घोष, राजबिहारी बोस, खुदीराम बोस, प्रफुल्ल चंद चाकी, प्रीतिलता वड्डेदार, सूर्य सेन आदि सशस्त्र क्रांतिकारकों ने भी अपनी ओर से भरसक प्रयास किए थे। हालांकि न अहिंसात्मक मार्ग को यश मिला और न ही क्रांतिकारियों को यश मिला और इस युग की समाप्ति के 18 वर्ष के बाद, इस युग के समाप्ति के 10-12 वर्ष के बाद हमें स्वाधीनता मिली, इस युग में नहीं मिली। हालांकि इस युग में बहुत बड़े बड़े आंदोलन हुए। छायावाद की राजनीतिक पृष्ठभूमि यही है कि अंग्रेजों की साम्राज्यवादी नीति के प्रति जनता में व्याप्त असंतोष से लोगों को यह सोचने पर विवश किया कि हमें अंग्रेजों से स्वतंत्र होना है,
स्वाधीन होना है, मुक्त होना है। सदियों से दास्ता से पीड़ित, केवल अंग्रेजों की दास्ता हम नहीं भोग चुके थे, अभी तो अंग्रेजी की गुलामी से पहले भी हमने अलग अलग मुस्लिम राजघरानों की गुलामी को भोगा था। मतलब सन 1780 के आसपास, सन 738 के आसपास मोहम्मद बिन कासिम का पहला इस्लामी आक्रमण इस देश पर होता है। फिर बाद में मोहम्मद गजनवी आता है, मोहम्मद गौरी आता है, गुलाम वंश आता है, सैयद वंश आता है, खिलजी वंश आता है, लोदी वंश आता है, मुगल वंश आता है, और 1857 में मुगल वंश के अंतिम बादशाह बहादुर शाह जफर की जला बताने के बाद मुसलमानों की एक छत्र साम्राज्य संपूर्ण भारतवर्ष पर था, वो नष्ट होकर के अंग्रेजों का साम्राज्य आया। यानी लगभग सन 838 से लेकर के 1938 तक, कितने वर्ष देखिए, 938, 1038, 1138, 1238, 1338, 1438, 1538, 1638, 1738, 1938, 1938 और 1938, 1100 वर्षों से हम गुलामी में थे। और परिणामतः 1100 की मतलब हजारों वर्षों की इस गुलामी के को तोड़ने के लिए भारत का जनमानस छटपटा रहा था, तिलमिला रहा था, स्वातंत्र चेतना जनता में जोर मार रही थी। परिणामतः इस सोए हुए देश की आत्मा पूरी शक्ति से जाग उठी थी, उद्वेलित हो चुकी थी। अंग्रेजी शिक्षा के प्रचार प्रसार ने देश के बुद्धिजीवियों के सामने नए क्षितिज खोल दिए थे। अब भारतीय मनीषा, अब भारतीय बुद्धिमत्ता, अब भारतीय ज्ञान देश की जनता को नेतृत्व प्रदान कर रहा था और उस ओर अग्रसर हो रही थी। इस काल में एक से एक धुरंधर राजनीतिक नेताओं ने देश के विभिन्न क्षेत्रों में अपनी आवाज बुलंद की। महाराष्ट्र में, बंगाल में, पंजाब में, गुजरात में, तमिलनाडु में, केरल में, कर्नाटक में, आसाम में, उड़ीसा में, कश्मीर में, जम्मू में, अरुणाचल प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, जहां भी देखो वहां लोकल क्रांतिकारी और राष्ट्र स्तर के क्रांतिकारी, लोकल आंदोलनकर्ता और राष्ट्र स्तर के आंदोलनकर्ता, इन सब का एक साथ एक विराट रूप अंग्रेजों को दिखाई पड़ रहा था। और इनका नेतृत्व करने वाले कौन थे? विश्वविद्यालयीन अंग्रेजी शिक्षा के माध्यम से सामने आए हुए नेतृत्व, और लगभग सभी इनमें से वकील थे, कानून को जानने वाले थे। महात्मा गांधी बैरिस्टर थे, सावरकर बैरिस्टर थे, नेहरू वकील थे, अंबेडकर वकील थे। तो ये सारे के सारे जो आंदोलन करने वाले लोग हैं, वल्लभ भाई पटेल भी वकील थे, इन सभी आंदोलन करने वाले लोगों ने भारतीय बुद्धिजीवियों के क्षेत्रों का विस्तार किया, उसके क्षितिज को और खोल दिया। अब इसके साथ एक और महत्वपूर्ण बात, जैसे मुसलमान जिन्होंने 838 से 1857 तक का संपूर्ण भारत पर राज किया, उन्होंने इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया, हिंदुओं के मंदिरों को तोड़ दिया, और यही काम अंग्रेजों में छिपे हुए ईसाई मिशनरी कर रहे थे। वो चर्चेस बनाए जा रहे थे, मंदिरों में अपने लोग घुसाते जा रहे थे,
बड़े बड़े जो गांव थे उस गांव के बाहर के जो कुएं थे उनमें ब्रेड या जिसको हम पाव कहते हैं वो डाला जाता है, और जितने लोग उस पाव से स्पर्शित पानी पी जाते उन सबको ईसाई बनाया जाता। यानी इस मिशनरी ढंग से उन्होंने जो अपने धर्म का विकास किया उसके प्रति भी हिंदुओं के मन में एक प्रकार का असंतोष था, वेदना थी। और अंग्रेज ईसाइयत के माध्यम से बाइबल ओल्ड टेस्टामेंट न्यू टेस्टामेंट हम पर थोप रहे थे, उसकी प्रतिक्रिया भी हुई। और उस प्रतिक्रिया के माध्यम से हिंदुओं के जो प्राचीन धर्म ग्रंथ थे उनको फिर से, उन पर जो धूल जमी थी उसको हटाया गया और उनको फिर बाद में लिया गया, जैसे वेद हैं, पुराण हैं, उपनिषद हैं, खास करके कौशिक की उपनिषद है, श्वेता श्वेतर उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद है, कैवल्य उपनिषद है। इन सभी 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 ग्रंथों का एक प्रकार से इस्लाम और ईसाइयत के प्रचार को रोकने के लिए प्रयोग होने लगा। यानी इस प्रतिक्रिया का स्वरूप भारतीय संस्कृति के मूल्यों और मान्यताओं के प्रति लोगों में आकर्षण जागृत हुआ। यानी ये जो ईसाई लोग हैं इन्होंने शिक्षा नीति बनाने का प्रयास किया, परंतु ईसाई मिशनरी के आधार पर सांस्कृतिक सामाजिक क्षेत्र में अनेक प्रकार के आंदोलन शुरू हुए थे। भारतीय पुनर्जागरण का संस्कृत निष्ठ या सांस्कृतिक आंदोलन, धार्मिक आंदोलन, राजनीतिक आंदोलन, मतलब भारतीय पुनर्जागरण जो भारतेंदु युग में हुआ वह सांस्कृतिक माध्यम से भी हुआ, धार्मिक माध्यम से भी हुआ और सबसे महत्वपूर्ण राजनीतिक माध्यम से भी हुआ। यह बहुत 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 महत्वपूर्ण बात है। मैं 1 मिनट में आता हूँ। देखिए छायावाद के समय ईसाई अंग्रेज मिशनरियों से, अंग्रेजी साम्राज्यवाद से और इस्लामी साम्राज्यवाद से ठानने की, यानी 838 से लेकर के 1938 तक का जो कालखंड है 1100 वर्षों का, उसके गुलामी के प्रति एक असंतोष, एक आक्रोश निर्माण हुआ। और इस आक्रोश के कारण सभी क्षेत्रों में सांस्कृतिक पुनर्जागरण हुआ, धार्मिक पुनर्जागरण हुआ, राजनीतिक पुनर्जागरण हुआ। स्वामी दयानंद सरस्वती, रामकृष्ण परमहंस, स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, महात्मा मोहनदास करमचंद गांधी जैसे महापुरुषों ने देश में नव जागरण का शंख फूंका। स्पष्ट ही उस काल की कविता पर भी इन सभी महापुरुषों की विचारधारा का प्रभाव होना स्पष्ट है, अत्यंत स्पष्ट है। और महापुरुषों ने, इन जो जिन महापुरुषों के नाम हमने लिए, चाहे वो स्वामी दयानंद हो, चाहे रामकृष्ण परमहंस हो, स्वामी विवेकानंद हो, योगी अरविंद घोष हो, तिलक जी हो, गांधी जी हो, गोखले जी हो, इनके तत्वों का, इनके जीवन मूल्यों का, इनके सिद्धांतों का प्रभाव इस काल की कविता पर पड़ना अवश्यंभावी था।
प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप में छायावादी काव्य के सभी कवि इन आंदोलनों से प्रभावित हैं। मतलब देखिए कि आर्य समाज का आंदोलन जो 1875 में शुरू हुआ वो अभी थमा नहीं था। जो कांग्रेस की स्थापना 1885 में हुई थी 10 वर्ष बाद आर्य समाज के, उसका आंदोलन अभी थमा नहीं था, बल्कि वो अत्यंत चरमोत्कर्ष पर था। और ये लोग कहीं ना कहीं आर्य समाज और कांग्रेस से संबंधित थे। किसी ने प्रत्यक्ष विद्रोह किया, किसी ने परोक्ष रूप में किया, किसी ने हाथ में तलवार ली, किसी ने कानून का सहारा लिया, किसी ने आंदोलन किए तो किसी ने सीधे सीधे कत्ल कर डाले, काकोरी कांड, काकोरी रेल को लूटने का प्रयास किया, किसी ने गोलियां चला दी। आनंद कान्हेरे ने एक अंग्रेज अधिकारी को, कलेक्टर को मार डाला, वासुदेव फड़के उनका भी नाम लिया जा सकता है, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चंद्र चाकी ने मिलकर के मुजफ्फरपुर के डीएम, डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट किंग्सफोर्ड पर बम फेंका, सुनीति घोष और चौधरी ने बंगाल के वायसराय पर हमला किया। तो भारत के संपूर्ण क्षेत्र में क्रांति के लहरें चल पड़ी थी। भारत को विखंडित करने की कामना से अंग्रेजों ने जो साइमन कमीशन भेजा था उसका विरोध लाला लजपत राय जी ने किया। तो रैंड ने उन पर हमला किया, लाठियों से बरसाई उन पर, और उनकी मृत्यु के बाद उनकी शिष्य मंडली ने, वे पढ़ाते कहाँ थे देखिए, लाहौर के दयानंद एंग्लो वैदिक कॉलेज में लाला लजपत राय पढ़ाते थे। अपने अध्यापक की मृत्यु देख करके लाहौर के स्नातक, लाहौर कॉलेज में पढ़ने वाले सरदार भगत सिंह, काशी बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में पढ़ने वाले राजगुरु, नेशनल कॉलेज में पढ़ने वाले सुखदेव, इन लोगों ने सॉन्डर्स को मार करके लाल लजपत राय की हत्या का बदला तो लिया, परंतु वे खुद बाद में पकड़े गए, उनको फांसी हुई। इनमें से केवल एक पकड़े नहीं गए, काकोरी कांड में पकड़े जाने वाले में रामप्रसाद बिस्मिल, अशफाकुल्ला खान, राजेंद्र लाल बिहारी, रोशन लाल इत्यादि पकड़े गए, और बाद में सॉन्डर्स की हत्या के मामले में जो मुकदमा चला उसके अंतर्गत भगत सिंह, राजगुरु, सुखदेव, बटुकेश्वर दत्त इत्यादि पकड़े गए। इनमें से पकड़ा नहीं गया तो केवल एक व्यक्ति जो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन आर्मी का चीफ था, चंद्रशेखर आज़ाद, बाद में इनका, इनकी भी हत्या इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में हुई। तो देखिए कि इस काल के दोनों प्रकार के आंदोलनकर्ता, हिंसक और अहिंसक, दोनों गांधी जी से प्रभावित भी थे और गांधी जी का विरोध करने वाले भी थे। और देखिए कि गांधीवाद से प्रभावित कवियों ने एक पूरी की पूरी श्रृंखला ही इस काल में दिखाई देती है, और इस काल में गांधी जी से प्रभावित सबसे बड़े कवि के रूप में हम सियाराम शरण गुप्त को देखते हैं। क्रमांक दो पे जयशंकर प्रसाद आते हैं, जिन्होंने कामायनी में तकली का, चरखे का उल्लेख किया है, चकली चरली चलरी तकली धीरे धीरे, इस प्रकार से कामायनी की नायिका, कामायनी अर्थात श्रद्धा, अपने बच्चे को सुला रही है तो सुलाते समय भी तकली कात रही है।
इस प्रकार का उल्लेख किया गया है। अंग्रेजों ने विज्ञान के आविष्कारों का उपयोग मशीनों के निर्माण और उससे भारतीय जनता का शोषण करने के रूप में हुआ, इसलिए गांधी दर्शन में यांत्रिकता का विरोध है। अगर आपने वो 1957 की फिल्म देखी होगी नया दौर, तो उसमें भी देखिए लॉरी, टैक्सी, ट्रक इत्यादि यांत्रिक वाहनों के का विरोध करके तांगे घोड़े पर चलने वाले लोग जीत जाते हैं, इस प्रकार की कहानी है उसकी। मतलब जहां जहां अंग्रेजों ने समर्थन किया है पूंजीवाद का, वहां वहां भारत के ही कवियों ने अपने काल में इस बढ़ते हुए मशीनीकरण का, यांत्रिकीकरण का बहुत जोरों खरों से विरोध किया है। और इस विरोध के कारण अंग्रेज यहां से भागने पर मजबूर हुए। नई शिक्षा पद्धति ने व्यक्ति में आत्मगौरव की भावना भर दी थी, उसको जगाया था। इसी के कारण राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा के कवियों में विदेशी शासन का विरोध मिलता है। द्विधि युग में जो मधुरता, जो स्थूलता, जो इतिवृत्तात्मकता, जो नैतिकता और आदर्शवाद मिलता है, उसकी प्रतिक्रिया हमें छायावादी युग में देखने को मिलती है। मतलब देखिए कि भारतीय सामाजिक संस्कृति पर, उन आदर्शों पर द्विवेदी युग के कवियों ने बहुत चर्चा की, अब इसी के विरोध में, इस स्थूलता के विरोध में, आदर्शों का विरोध नहीं, आदर्श तो अभी भी चल रहे हैं, ये प्रयास किया गया कि इस नैतिकता, इतिवृत्तात्मकता, आदर्शवाद को थोड़ा सा बाजू को रख करके अपने दिल की बात कह दें, स्वच्छंद होकर के बात कह दें, कहीं कोई लाग लपेट न हो, किसी आदर्श का सहारा लेने की गरज न पड़े, इस प्रकार से। तो इस काल की कविता में छायावादी काव्य की परंपरा में स्थूल एवं वायवी श्रृंगार ने उसकी सूक्ष्म अभिव्यक्ति की, स्थूल अभिव्यक्ति की तथा सूक्ष्म और वायवी अभिव्यक्ति भी की। जैसे प्रसाद की कविता गत वर्ष आप पढ़ चुके हैं, आंसू नाम की, उस कविता में आदर्शों को सामने से हटा करके अपने दिल की सच्ची बात कहने का साहस इन लोगों ने किया और मशीनीकरण का विरोध किया। इसके आगे हम देखते हैं कि इस नई शिक्षा पद्धति ने व्यक्ति के पास जो गौरव की भावना थी, उस गौरव की भावना को पूरी तरह से नष्ट कर दिया और धीरे धीरे इस प्रयास में वे सफल हुए कुछ अंशतः, कुछ असफल हुए। और सामान्य जनता ने राष्ट्रीय सांस्कृतिक चेतना के माध्यम से साम्राज्यवादी अंग्रेजों का विरोध किया। छायावादी काव्य में स्थूल वायवी श्रृंगार की सूक्ष्म अभिव्यक्ति जैसे कुछ बातें हमें देखने को मिलती हैं। प्रणयानुभूति
मतलब प्रेम, प्रेम की अनुभूति इस काल की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। और इस काल में महादेवी वर्मा जैसी महिला ने अपने अलौकिक प्रेम को बनाए रखने के लिए अपने पति तक का त्याग किया। जैसा कि मध्य युग में रानी मीराबाई ने अपने पति, ससुर, देवर और राज्य का त्याग करके मंदिर में जाकर के श्री कृष्ण की पूजा करती थी, बैठती थी, उसी प्रकार से महादेवी वर्मा ने संस्कृत सीखने के लिए वेदों का हिंदी अनुवाद जो उन्होंने बाद में किया जा करके, उनको स्त्री होने के कारण संस्कृत पढ़ने नहीं दिया जा रहा था। बाल्यावस्था में ही विवाह हो चुका था, फिर भी उन्होंने अपनी बातें कायम रखी। पति गोविंद स्वरूप से कभी मुलाकात तक नहीं किए। आगे चल करके उन्होंने सप्तपर्णा नाम का संस्कृत के काव्य ग्रंथों का अनुवाद प्रकाशित किया। और कभी भी छायावाद की विशेषताओं को नहीं छोड़ा। एक मजेदार बात यह है कि 1938 के आसपास जयशंकर प्रसाद जी की मृत्यु हुई। प्रसाद जी की मृत्यु होते ही प्रगतिवादी आंदोलन शुरू हुआ, और जिसके अंतर्गत क्रमशः निराला और पंत, यानी सूर्यकांत त्रिपाठी निराला और सुमित्रानंदन पंत, ये दोनों आगे चल करके प्रगतिशील कवि बने। परंतु प्रसाद जी की मृत्यु हुई थी, वो बदल नहीं सकते थे। और दूसरी महादेवी वर्मा, जिन्होंने अपने समय के कालखंड की सच्चाई को उजागर करने का प्रयास किया। इसके बाद अगर देखा जाए तो इस कालखंड में जो द्विविध युगीन स्थूलता थी उसके समक्ष सूक्ष्मता ने आंदोलन किया। जो आरोपित नैतिकता थी उसकी जगह प्रणयानुभूति का प्रयोग किया। और इतिवृत्तात्मकता की जगह बड़े बड़े महाकाव्यात्मक ग्रंथ लिखने की जगह छोटी छोटी कविताएं लिखी, जैसे बीती विभावरी जागरी, अंबर पन घट में डुबो रही तारा घट उषा नागरी, बीती विभावरी जागरी। या फिर ये तो प्रसाद जी की कविता हुई। अगर निराला जी के बारे में कह दिया जाए तो जागो फिर एक बार, सिंह के तुम सूत हो, क्यों रो रहे धरनी का भार, ढो रहे बरनी धरनी का भार। इस प्रकार से उन्होंने क्रांतिकारियों को लताड़ करके एक महत्वपूर्ण बात कही थी। और इसी बीच माखनलाल चतुर्वेदी जी, जो छायावाद के छोटे कवि हैं, उन्होंने राष्ट्रीय काव्य धारा में बहुत बड़ा योगदान किया। ये सारी बातें आपको पता होनी चाहिए। अब ये छाया शब्द आया कहाँ से, इस छाया शब्द को भी हमें देखना पड़ेगा। तो छायावाद इसमें से छाया इस शब्द पर क्या आलोचकों ने कहा है, खास करके नंद दुलाई वाजपेयी जी ने क्या कहा है, वो भी आपके समक्ष कम रखने का प्रयास करेंगे। नंद दुलाई वाजपेयी लिखते हैं, आध्यात्मिक छाया यानी रहस्यवाद जिसको कहा जाता है का भान होता था, और वेदना की रहस्यमयी अनुभूति के लाक्षणिक एवं प्रतीकात्मक शैली में अभिव्यंजना की जाती थी। छायावाद के स्वरूप को समझने के लिए अनेक विद्वानों ने छायावाद की कुछ परिभाषाएं सामने रखी हैं, उन परिभाषाओं की ओर हम जाने का प्रयास करें। सबसे पहले एक कवि की परिभाषा हम रखेंगे जिन्होंने हिंदी का पहला इतिहास ग्रंथ लिखा, यानी हिंदी का अपना, दूर बैठे हुए भारत में रहकर के हिंदी का पहला, हिंदी भाषा का, हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने का प्रयास किया,
वे आचार्य रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं, छायावाद शब्द का प्रयोग दो अर्थों में समझना चाहिए। एक तो रहस्यवाद के अर्थ में, जहां उसका संबंध काव्य वस्तु से होता है, अर्थात वहां कवि उन अनंत और अज्ञात प्रियतम को, अर्थात जहां कवि उस अनंत और अन्यतम प्रिय अद्यतम प्रियतम को आलंब बना करके पिछली चित्रमयी भाषा में एक प्रेम की अनेक प्रवर्ग से व्यंजना, अनेक प्रकार से अनेक बार प्रेम की व्यंजना हुई है। अब दूसरी परिभाषा जयशंकर प्रसाद जी ने अपने एक ग्रंथ जिसका नाम जयशंकर प्रसाद निबंध और आलोचना, इसमें वो लिखते हैं, कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना अथवा देश विदेश की सुंदरता का बाह्य वर्णन से भिन्न भिन्न वेदना का स्वानुभूति अभिव्यक्ति होती है, तब हिंदी में उसे छायावाद कहा जाता है। और खास करके उन्हें बहुत महत्वपूर्ण उदाहरण दिया, देखिए जिस प्रकार से नदी या समुद्र से निकाले गए मोती की एक प्रकार से चमकने वाली छाया होती है, वैसे ही ये छाया है। छायावाद शब्द का दूसरा प्रयोग काव्य शैली या काव्य पद्धति के साथ होता है, उस व्यापक अर्थ में होता है। आचार्य शुक्ल छायावाद का एक विशिष्ट रहस्यवादी अर्थ मानते हैं, परंतु शुक्ल जी का विरोध करने वाले लोगों ने काव्य को शैली या अथवा शैली अथवा पद्धति के रूप में, विशेष रूप में स्वीकार किया है, व्यापक अर्थ में लिया है। स्पष्टतः आचार्य शुक्ल और एक अर्थ रहस्यवादी मानते हैं, मतलब आचार्य शुक्ल जो अर्थ मानते हैं वो रहस्यवादी अर्थ है मानते हैं छायावाद का, और जो दूसरे लोग हैं नंदलाल वाजपेयी जैसे, उन्होंने छायावाद को एक काव्य शैली माना है, एक गायन शैली माना है, एक पद्धति विशेष माना है। स्पष्ट है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल का पक्ष है, यानी आचार्य रामचंद्र शुक्ल छायावाद का जो अर्थ रहस्यवाद मानते हैं, तो दूसरा वर्ग जो है काव्य की विशिष्ट शैली को रहस्यवाद मानते हैं, यानी छायावाद मानते हैं। जयशंकर प्रसाद के अनुसार, मैं उसको फिर से पढ़ रहा हूं, कविता के क्षेत्र में पौराणिक युग की किसी घटना का आधार अथवा देश विदेश के सुंदरता के बाह्य वर्णन से संबंध कुछ दिखने लगा, तब हिंदी में छायावाद के नाम से उसे अभिहित किया गया है। ध्वन्यात्मक, लाक्षणिक, सामाजिक, सौंदर्यमय, ऐसे अनेक विषयों और उन के प्रचार प्रसार के साथ अनुभूति रखते हुए, उसके उपचार के साथ अनुभूति रखते हुए विवृत्ति का छाया, विवृत्ति छायावाद का विशेषण है, ऐसा प्रसाद जी ने कहा है। रामकुमार वर्मा जिन्होंने हिंदी साहित्य का आधा इतिहास लिखा है, लगभग ऋतिकाल तक लिखा है, उसके आगे का नहीं लिखा है, लेकिन कहीं कहीं उन्होंने ये भी लिखने का प्रयास किया है कि परमात्मा की छाया आत्मा में, आत्मा की छाया परमात्मा में जब पड़ने लगती है तभी छायावाद की सृष्टि होती है। कितनी अच्छे प्रकार से देखिए,
रामकुमार वर्मा ने छायावाद का अनुवाद किया है। चौदहवीं प्रवृत्ति है इसके अंतर्गत, चौदी चौथी, डॉक्टर नगेंद्र जिन्होंने हिंदी साहित्यकालिका इतिहास के दो दो तीन तीन खंड खंड लिखे हैं, उन्होंने ये कहा है कि छायावाद स्थूल के प्रति सूक्ष्म का विद्रोह है। यह एक प्रकार की भाव पद्धति है, जीवन के प्रति विशेष पत्रात्मक भावात्मक कार्यात्मक दृष्टिकोण है। एक बात और यहां मैं कहना चाहूंगा, जब हिंदी में छायावाद का आंदोलन चल रहा था तो उसी काल में हिंदी में राष्ट्रीय काव्यधारा और हालावादी काव्यधारा आई थी, परंतु यह काव्यधारा कुछ राज्यों में नहीं दिखी, खास करके महाराष्ट्र और जिसको हम आंध्र प्रदेश कहते हैं। इन दोनों ने छायावाद की तर्ज पर भाव कविता का आंदोलन लगाया। आंध्र के भाव कवियों ने छायावादी कविताओं को भाव कविता नाम दिया और मराठी में इसे रवि किरण मंडल का नाम दिया, यानी प्रसाद भारतेंदु हरिश्चंद्र के प्रसाद पश्चात, द्विवेदी जी के पश्चात भारतेंदु हरिश्चंद्र की परंपरा के जो कवि लिख रहे थे उन कवियों ने ये बताने की कोशिश की है कि अपने से पूर्व जो युग था जिसको द्विवेदी युग कहा जाता है उसकी स्थूलता के प्रति सूक्ष्मता का विद्रोह बताया गया, और ये भी कहा गया कि जीवन के प्रति विशेष भावात्मक दृष्टिकोण ही यहाँ छायावाद है। महादेवी वर्मा जो खुद छायावाद की कवयित्री हैं प्रसाद की तरह ही, उन्होंने भी यह बताया है कि छायावाद तत्वतः प्रकृति के बीच जीवन का उद्गित है, यानी प्रकृति में बहुत सारी घटनाएं होती हैं परंतु उसके मूल में ये प्रकृति का जीवन हो तो वो अधिक समीचीन है, और छायावादी कविता में प्रकृति के बीच के जीवन का उद्गित है और उसका मूल दर्शन सर्वात्मवाद है। सर्वात्मवाद का मतलब ये कि छोटी से छोटी चींटी से लेकर के बड़े से बड़े हाथी तक प्रत्येक प्राणी में अपनी एक आत्मा होती है और उस आत्मा को सताना नहीं चाहिए। एक और महत्वपूर्ण बात यहाँ घटी है वो यह है कि प्रसाद जी के जितने भी कहानियां हैं जितने भी नाटक हैं उन सब पर देशभक्ति का प्रभाव है, राष्ट्रीयता का प्रभाव है। इनके प्रमुख नाटकों के प्रमुख पात्र देशभक्ति राष्ट्रीयकरण राष्ट्रीय भावना को समझने के साथ साथ त्याग सेवा क्षमा करुणा परिवार और बलिदान की भावनाओं से ओतप्रोत हैं। भारतीय जनमानस में आशा उत्साह और आत्मविश्वास का संचार करने के लिए इन कवियों ने जो गीत लिखे वो बहुत महत्वपूर्ण है। जैसे उदाहरण के रूप में अपने भारत के अतीत का गौरव गान गाने वाला चंद्रगुप्त नाटक में चंद्रगुप्त नाटक की नायिका अलका जो सिंहरण की पत्नी है, सिंहरण चंद्रगुप्त मौर्य का सेनापति उसकी पत्नी है और वह अम्बिक की बहन है। अम्बिक जो राजा था सिंधु देश के उधर का, जिसने मदद करके अलेक्जेंडर की सिंधु देश जितवाया पोरस को हरा करके, उसको
भी लेकर के चर्चा की। प्रसाद जी का अलका ने गाया हुआ गीत है, हिमाद्रि तुंग श्रृंग से प्रबुद्ध शुद्ध भारती, स्वयं प्रभा समुज्वला स्वतंत्रता पुकारती, अमर्त्य वीर पुत्र हो दृढ़ प्रतीच सोच लो, प्रशस्त पुण्य पंथ है बढ़े चलो बढ़े चलो। असंख्य कीर्ति रश्मिया विकीर्ण दिव्यता हसी, सपूत मातृभूमि के रुको न शूर साहसी, अराति सैन्य सिंधु में सुवाड़ अग्नि से जलो, प्रवीर हो जयी बनो बढ़े चलो बढ़े चलो। तो अलेक्जेंडर की जो सेना आ रही थी उसको रोकने के लिए, सेल्यूकस निकेटर की जो सेना आ रही थी उसको रोकने के लिए चंद्रगुप्त, अलका, चाणक्य, सिंहरण ने जो प्रयास किए वो इस अभियान गीत में से हमें दिखाई देते हैं, और भारत का गौरवगान भी दिखाई देता है। चंद्रगुप्त नाटक की ही एक महत्वपूर्ण कविता है, इसमें कार्नेलिया जो चंद्रगुप्त की पत्नी और सेल्यूकस निकेटर की बेटी थी वो कहती है, वो इस देश में आ जाती है, इस देश के वेद वेदांगों को पढ़ती है और कहती है, अरुण यह मधुमय देश हमारा, जहां पहुंच विस्तृत क्षितिज को मिलता एक सहारा, अरुण यह मधुमय देश हमारा। लेकिन भले ही इस काल के कवियों ने अपने से पूर्व भूतकाल के लोगों का, देश का, उनकी वीरता का गौरवगान किया है, लेकिन वो आज के वास्तव के विरुद्ध भी आंख मूंद करके चुप नहीं रह पाए। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जी दिल्ली नामक कविता में भारत के अतिरिक्त गौरव और वर्तमान की दुर्दशा का वर्णन करते हुए लिखते हैं, क्या यह वही देश है, भीमार्जुन आदि की कीर्ति का क्षेत्र, चिरकुमार भीष्म की पताका ब्रह्मचर्य दीप्त उड़ती है आज जहां के वायुमंडल में उज्जवल, अधिर और चिरस्मरणीय, चिरनवीन। वो कृष्ण कहाँ गए, वो भीमार्जुन कहाँ गए, वो कर्ण कहाँ गए, वो भीष्माचार्य कहाँ गए जिन्होंने किसी काल में अपनी शक्तियों का प्रयोग करके बड़े से बड़े युद्ध को आसानी से जीत लिया था, अब वो वीरता कहाँ गई, अब वो शूरता कहाँ गई। वस्तुतः इन कवियों ने वर्तमान को अतीत से संबद्ध करके जो जीवन मूल्य निर्मित किया है वो समकालीन जीवन के लिए भी आदर्श बन सकता है, आज के जीवन को। दीन दुखियों और पद दलितों की वेदना को छायावादी कवियों ने अपने शब्दों में शब्दबद्ध किया। उन्होंने ईश्वर का निवास दीन दलितों में माना, हरिजनों में माना, शूद्रों में माना, और भगवत भक्ति के नाम पर किसी एक छोटी मूर्ति की पूजा करने की जगह इन दीन दलितों में ईश्वर को मान करके उनकी सेवा करना आरंभ किया। इस विषय में देखिए पहले युग के कवि है ना, राम नरेश त्रिपाठी जी, उनके एक बहुत बढ़िया कविता है, उसमें ईश्वर कहता है, मैं खोजता तुझे था जब दीन के वतन में, तू था मुझे बुलाता, यानी तू जो मुझे खोजता था भजन और मूर्तियों में, तब था मुझे, मैं तुम्हें बुलाता था तब दीन के वतन में, मैं आह बन किसी की तुझको पुकारता था पर तुझे वो आह सुनाई नहीं दे रही थी। इस प्रकार से कविताएं इस काल में निर्मित की हैं। ईश्वर भक्ति, लोक कल्याण को एक दूसरे से जोड़ दिया गया, इनका समन्वय किया गया, आध्यात्म और सामाजिक, इन दोनों का समन्वय करके जीवन के चौमुखी विकास की कल्पना की। ध्यान दीजिए, जिस धर्म की बात हम करते हैं, जिस आध्यात्म की बात हम करते हैं, उसमें कहीं यह नहीं लिखा कि आपके पास ज्यादा धन होना नहीं चाहिए, आपने विकास करना चाहिए कभी नहीं रोका, विकास नहीं करना चाहिए ऐसा कभी नहीं कहा। वैशेषिक दर्शन में आचार्य कहते हैं
धर्म की व्याख्या करते समय, ये तो अभ्युदय निश्रेयस सिद्धि से धर्म, आपको मोक्ष तो चाहिए, निश्रेयस तो चाहिए, परंतु लौकिक विकास भी चाहिए, लौकिक अभ्युदय भी चाहिए। इसलिए उस जमाने में देखिए हमारे बड़े बड़े पुजारी भी, बड़े बड़े आध्यात्मिक नेता भी महलों में निवास करते या करते थे। छायावाद का जीवन दर्शन आशावादी है और संसार में प्रवृत्त करने वाला है, वो केवल आदर्शात्मक नहीं है अपितु जीवन में आगे बढ़ने के लिए, विकसित करने के लिए। कामायनी में इसको समरसता दर्शन कहा गया है। कामायनी नाम का जो महाकाव्य जयशंकर प्रसाद जी ने लिखा 1936 से 38 तक के कालखंड में, और 38 में उनकी मृत्यु हुई, इस महान काव्य को पूरा करने के उपरांत वे एक और जो औद्योगिक विकास हुआ है उसको भी लेकर चलते हैं इला के रूप में, और श्रद्धा के रूप में अध्यात्म को भी लेकर के चलते हैं, और इन दोनों को लेकर के मनुष्य साथ साथ निकल पड़ते हैं। और इसी दर्शन को जिसको हमने अभी समरसता दर्शन कहा, उस दर्शन को शैव पाशुपत परिभाषा में प्रत्यभिज्ञा दर्शन कहा जाता है, जिसका निर्माण प्रसिद्ध रसवादी आचार्य, जिनका उल्लेख हमने रससूत्र के व्याख्याकार में किया था, अभिनव गुप्त पादाचार्य, जिन्होंने अभिव्यक्तिवाद रखा, उन्होंने अध्यात्म में प्रत्यभिज्ञा दर्शन रखा था, जिसका स्वीकार बाद में अनेक शतकों बाद जयशंकर प्रसाद जी ने किया। शैव दर्शन में, इस शैव पाशुपत प्रत्यभिज्ञा दर्शन में संसार को चिति का स्वरूप बताया जाता है और इसे नित्य माना गया है, इसे अनित्य नहीं माना गया संसार को। जब संसार उस चिति का स्वरूप है तो वह सत्य भी है और सुंदर भी है, इसलिए सत्यम शिवम सुंदरम की संकल्पना इसमें आती है। कामायनी की नायिका श्रद्धा नायक मनु को संसार में प्रवृत्त करने के लिए कहते, देखिए क्या हुआ था, आप जानते हैं मनु की कथा, वह मत्स्यावतार की कथा, जिसमें इतना जलप्रलय हुआ था कि मिट्टी का एक ढेला तक नहीं दिखाई दे रहा था। तब विष्णु ने मत्स्यावतार ग्रहण करके अपने सिंग से एक नौका को बांधने के लिए मनु के लिए कहा, ठीक है आज यहाँ रुक जाते हैं।